नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आपसे जो विमर्श करने वाला हूं वह है एडवेंचर कैंप के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, इसके द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जाता है। इन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण कैंप है एडवेंचर कैंप। इन एडवेंचर्स कैंप जो लगाए जाते हैं, ये साहसिक शिविर जितने भी लगाए जाते हैं, इनमें एक ऐसा अनुभव युवाओं को मिलता है जो उनके जीवन में साहसिक निर्णय लेने के लिए, आत्मविश्वास के लिए और अन्य जो गतिविधियां वो जीवन भर करते हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति को, हर युवा स्वयंसेवक को ये अवसर नहीं मिलता। चयनित युवा इस एडवेंचर कैंप का लाभ उठा पाते हैं। प्रतिवर्ष ये साहसिक शिविर विभिन्न स्थानों पर लगाए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ साथ NCC, स्काउट गाइड और अन्य यूथ संगठन जो हैं उनके युवाओं को इनमें भाग लेने का अवसर मिलता है। आज इस एपिसोड में इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और इस एडवेंचर कैंप में मैं आपको सचित्र वो जानकारी दूंगा जो एक बहुत रोमांचित कर देने वाला अनुभव है। इस कैंप की जो वीडियो हमें उपलब्ध कराई वो माधव महाविद्यालय के जो युवा साथी हैं, NSS के युवा वॉलेंटियर हैं, ऋतिक घोरपड़े, उनके द्वारा ये फिल्म हमें उपलब्ध कराई गई, जिसे हम अपने युवा साथियों के साथ साझा कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं वो आपके लिए एक अलग प्रकार का रोमांच लेके आएंगे। ऐसे साहसिक शिविरों का आयोजन जो समय समय पर होता है, ये जिस साहसिक शिविर की मैं चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो में, ये 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में मनाली में आयोजित किया गया। तो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे इस साहसिक शिविर की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। 10 दिन के शिविर में बहुत तरह के जो अनुभव हैं युवाओं को आए, 90 डिग्री रॉक क्लाइंबिंग, सोलन वैली, अंजनी महादेव मंदिर, वाटरफॉल, शानदार व्यू, धुंधी माउंटेन, हनुमान टिब्बा, ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें बच्चों को जाने का अवसर मिला। और जो हनुमान टिब्बा है वो समुद्र तल से उसकी जो हाइट है वो 10,100 फीट से अधिक ऊंची है। तो इस प्रकार के कई सारे अनुभव इस शिविर में मिलते हैं। एडवेंचर कैंप एक अनोखा अनुभव है जो युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और भयमुक्त जीवन जीने की कला को विकसित करते हैं। साहसिक शिविरों में व्हाइट वाटर राफ्टिंग, कैनोइंग, नौकायन, लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कूबा और रॉक क्लाइंबिंग जैसे अनुभवों को जीने का अवसर मिलता है। ऐसे साहसिक शिविरों से युवाओं को आउटडोर अनुभव मिलता है जो जीवन में साहस पैदा करता है। पहाड़ों, वनों, जंगलों, झीलों, नदियों और महासागरों में लगाए जाने वाले यह साहसिक शिविर युवाओं में नवीन कौशल का निर्माण करते हैं। साहसिक शिविरों से टीम भावना का विकास होता है जो सार्वजनिक जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे शिविरों से युवाओं को अपने विचारों को आपस में साझा करने का अवसर भी मिलता है, जिससे राष्ट्रीय भावना का निर्माण होता है। ऐसे साहसिक शिविर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाकर सम्मिलित प्रयासों से लक्ष्य की प्राप्ति का महत्व भी युवाओं को सिखाते हैं। साहसिक शिविरों से युवा आकस्मिक चुनौतियों का सामना करना भी सीखते हैं। ये एडवेंचर कैंप
इनमें उन्नत रस्सी गांठ लगाना, तंबू लगाना, प्राकृतिक अग्नि का निर्माण करना, स्वयं भोजन पकाना, सुरक्षित जल संग्रहण, ट्रैक योजना, बोल्डरिंग, कैंपिंग, रैपलिंग और कैंप फायर जैसी गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ रात्रि काल में स्टे करते समय अलग अलग क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिनसे एक दूसरे के सांस्कृतिक जो कल्चर है उसको हम जानते समझते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में आयोजित इस रॉक कैंपिंग की प्रमुख गतिविधियां। ये कैंप अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एप्लाइड स्पोर्ट्स मनाली हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर के NSS वॉलंटियर्स ने भाग लिया। तो आइए देखते हैं इनकी झलक। तो भाई लोग, कुछ इस तरह से सीधी पहाड़ी है और हम लोग उधर जा रहे हैं, उधर उधर हम लोग मरने भी वाले हैं, हम बर्फ की चादर में जा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है सीधे पहाड़ को चढ़ने में। हटो भाई भाई, गाने वाले बड़ा मजा आ रहा है पाजी, बहुत मजा आ रहा है जी। कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, यहाँ पे आना तो प्रैक्टिस करके आना, बड़ा पहाड़ चढ़ने की, ऐसे मुंह उठा के मछली आना, हाँ नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। No one will try to believe. I'm climbing. गाइस, ये लास्ट व्यू बर्फ का, उसके बाद बर्फ खत्म हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाए। वाह यार, मजा आ गया। इधर देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वैसे सोचते हैं जितना ठंडा लग नहीं रहा, क्योंकि चल रहे हैं ना, इसलिए चल रहे हैं इसलिए इतना ठंडा लग नहीं रहा। और व्यू तो यार, व्यू की तो बात ही मत करो, हर जगह मतलब व्यू ही व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एडवेंचर कैंप आना सफल हो गया क्योंकि हमको बर्फ मिल चुकी है। बहुत चले बहुत चले, और अब लंच का टाइम होने वाला है। कुछ समय बाद हम आगे रुकेंगे और लंच करेंगे। तो ये देखो पीछे का व्यू भी देख लो, कितना बढ़िया लग रहा है। पॉड्स को इसमें अटैच करना है, यहाँ पे लूप बना देना है, लूप बना दिया और इसमें इंसर्ट कर देना है, ओके। उसके बाद वही चीज डाउन और इंसर्ट करना है 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल, ओके। और पीछे जाओ, पीछे जाओ, खाली करो ये जगह, जल्दी आओ। तो गाइस, कैंप का तीसरा दिन और हम सभी लोग जा रहे हैं कोलांग वैली।
आज का प्रोग्राम है सोलांग वैली जाने का। आज और कल वहीं सोलांग वैली में स्टे करेंगे। 15 किलोमीटर का रास्ता है, सभी को पैदल जाना है। थोड़ी सी क्लॉथिंग ले ली है इसमें, इस बैग में थोड़ी सी क्लॉथिंग ले ली है। अब भाई 15 किलोमीटर का रास्ता है, देखते हैं कैसे चलेंगे। अभी से ही थक गए हैं, बाकी का बारे में भैया बताएंगे। रोड से जाते हुए, गांव से निकलते हुए हमें सोलांग वैली पे पहुंचना है। काफी खूबसूरत जगह है सोलांग वैली और बहुत एक्साइटेड है हम सभी लोग। वो बात अलग है कि हम थक चुके हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, वी आर गोइंग बाय वॉक। सो गाइज देखते रहिए और हम आपको दिखाएंगे पहुंचते ही सोलांग वैली का वो खूबसूरत नजारा जो शायद आपने नहीं देखा होगा। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं गाइज, बाय बाय। तो दोस्तों मुझे ये विश्वास है कि आपको इतिहास विमर्श पर NSS का ये एडवेंचर कैंप वाला एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत से बच्चे कई बार इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, जो जिन्होंने चैट बॉक्स में जाकर चर्चा की कि किस प्रकार के कैंप आयोजित होते हैं किस NSS में और हमें कैसे अवसर मिलेगा। तो ऐसे कैंप में आप भी जा सकते हैं, आपको भी ये अवसर मिल सकता है। आप अपने यूनिट कैंप में अच्छा काम करें, विश्वविद्यालय लेवल पर अच्छा काम करें, तो ऐसे साहसिक शिविरों में आपका भी चयन हो सकता है। इनमें जाने का एक अपना अनुभव है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप जरूर चर्चा करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर अवश्य करें, जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना के प्लेटफॉर्म से युवाओं को क्या क्या अवसर मिलते हैं, नवाचार मिलते हैं, उनकी जानकारी आपके जो युवा साथी हैं उनके साथ भी आप साझा करें, जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके। वे भी अपनी अपनी यूनिट में NSS के माध्यम से ऐसे सो अवसरों का लाभ उठा सकें। यदि आप इतिहास विमर्श से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो आपके लिए सूचनाएं लेके आता हूं, जो प्रमुख सूचना है वो सबसे पहले आपको मिलें। वे सूचनाएं चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित हों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हों, आपके शैक्षिक कैलेंडर से संबंधित हों, आपके प्रोजेक्ट या वोकेशनल कोर्स से संबंधित हों या इतिहास विषय से संबंधित हों, वे सारी सूचनाएं सबसे पहले आपको मिलें। इस चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं और NSS के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर NSS से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जिसमें NSS की विभिन्न जानकारियां आपको मिलेंगी। मैं समझता हूं आप आज के लिए इस एपिसोड में ये काफी है। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।